जय हिंद दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दोस्तों इनकम टैक्स के फॉर्म्स इशू कर दिए हैं। ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलमोस्ट सभी फॉर्म्स इशू कर दिए हैं। ITR 6, 1 और 4 शायद इनकम टैक्स की साइट पे अपडेट भी हो चुके हैं। 2, 3, 5 अपडेट होने लग रहे हैं क्योंकि साइट डाउन थी पिछले 2 दिन से, ये भी अपडेट हो जाएंगे। ITR 6 में MSME को लेके एक बदलाव पता चला है। गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट आपसे जानना चाहती है, ये ITR 6 का फॉर्म है दोस्तों। असेसमेंट ईयर 24-25 जो अब हम जून जुलाई में रिटर्न भरेंगे। गवर्नमेंट ने कमाल की बात क्या करी है दोस्तों, ITR के फॉर्म्स इतनी जल्दी मैंने अपने करियर में आज तक नहीं देखे, अपने करियर में मैंने नहीं देखे आज तक कि गवर्नमेंट ने इतनी जल्दी इनकम टैक्स के फॉर्म्स निकाले हो। पहली बार देखने को मिल रहा है इतनी स्पीड से गवर्नमेंट ने फॉर्म्स निकाले। नहीं तो 31 मार्च के बाद भी जून मई जून में जाके फॉर्म्स आने शुरू होते थे, ITR 6 का तो बहुत ही लेट आता था। अब इसके अंदर क्या चेंज इन्होंने किया है दोस्तों, एक इन्होंने नया पॉइंट ऐड किया है, वेदर यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज एमएसएमई। कुछ बंदों का डाउट था सर प्राइवेट लिमिटेड थोड़ी होगी एमएसएमई, छोटी थोड़ी होती है, नहीं प्राइवेट लिमिटेड भी एमएसएमई हो सकती है, उसका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से कम हो तो। वेदर यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज एमएसएमई यस और नो, ठीक है जी। इफ यस प्लीज प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉटेड एज पर द एमएसएमईडी एक्ट। तो एक जो डाउटफुल चीज क्रिएट हो रही थी वो 45 डेज रूल के लिए बार बार क्वेरीज आ रही थी कि क्या एमएसएमई एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, तो आंसर इज यस। कहीं ना कहीं इसीलिए इन्होंने आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है, इफ यस प्लीज प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉटेड एज पर द एमएसएमईडी एक्ट 2006। आपने जो रजिस्ट्रेशन लिया उद्यम रजिस्ट्रेशन जिसको आप जानते हो। अब अगला पॉइंट, एक और पॉइंट इन्होंने जो नया पॉइंट इन्होंने डाला है वो डाला है जी Disallowances under section 43B. Any sum payable to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the MSME Act 2006. अब एक कमाल की चीज आप देखिए, यहां पे भी इन्होंने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज लिखा है, मीडियम एंटरप्राइज नहीं लिखा फॉर्म में। तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं करी तो उसके disallowances 43BH में डलेंगे। ऑल्दो ये जो इन्होंने फॉर्म डाला है ये है आपका एनी अमाउंट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 43B इन एनी प्रीसीडिंग ईयर बट अलाउएबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये एक कॉलम आ गया है कि अगर आपने पिछले साल में कोई डिसअलाउंस, इस ईयर के लिए ये पॉइंट पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, अब इतना तो समझदार हो चुके हो आप। ये डिसअलाउंसेस का पॉइंट ये है, एनी अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा बुक किया हुआ था ऑफ द प्रीवियस ईयर यानी कि 31 मार्च 2024, अप्रैल 23 से मार्च 24, बट डिसअलाउएबल अंडर सेक्शन 43B, 43B के अंदर ये डिसअलाउड है। क्यों डिसअलाउड है, बाकी सब पॉइंट्स को मैं इग्नोर कर रहा हूं राइट नाउ। एनी सम पेबल टू ए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड, आपका यहां पे वैल्यू डलेगा। जितना भी खर्चा आपने 31 मार्च 2024 की बुक्स में, जो आपके क्रेडिटर्स होंगे जिनकी पेमेंट 45 डेज से ज्यादा ड्यू होगी, वो खर्चा आपको यहाँ पे डालना होगा और उसको डिसअलाउ करके इनकम में एडबैक करके जो भी टैक्स का स्लैब है उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपको अपने क्लाइंट का टैक्स जमा कराना होगा। यही सेम कॉलम्स ITR 2, 3 और 5 में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएंगे। अभी फॉर्म्स आए नहीं है, आएंगे आप चेक कर सकते हो बहुत इजीली, कंट्रोल एफ करना, MSME डालना, माइक्रो डालना, दोनों कॉलम आपके पास दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों अगर आपको यही सभी चीजें रेगुलरली जाननी है, टाइम से जाननी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, सो दैट द मोमेंट हम वीडियो अपलोड करें इमीडिएटली आप तक वो वीडियो पहुंच जाए और आपको किसी और के शेयर करने का वेट ना करना पड़े। आशा करता हूं दोस्तों आपको ITR फॉर्म से रिलेटेड एक नई जानकारी हमारी वीडियो से मिली होगी, एंड प्लीज इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें सो दैट हमारे यहाँ इनकम टैक्स की रिटर्न्स जेन्युइन तरीके से, परफेक्ट तरीके से लोग फाइल कर सकें। आशा करता हूं आपके लिए ये वीडियो रेलिवेंट होगी। जय हिंद दोस्तों। लर्न समथिंग फ्रॉम एवरीवन यू मीट इन योर लाइफ, वेदर दे आर योर जूनियर्स और सीनियर्स, बिकॉज नोबडी नोज एवरीथिंग बट एवरीबॉडी नोज समथिंग, एंड एजुकेशन एंड हॉस्पिटलाइजेशन शुड नेवर बी कमर्शियलाइज्ड। जय हिंद।